वर्ल्ड कप में चार विकेट लेने वाले जींद के युजवेंद्र चहल के घर पर खुशियों का माहौल है। युजवेंद्र चहल की मां ने मंदिर में पूजा अर्चना की और टीम इंडिया के लिए जीत की दुआ मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक टीम इंडिया कप जीत कर नहीं आती तब तक वो पूजा करती रहेंगी। वहीं युजवेंद्र चहल के पिता का कहना है कि जिस परिवार का बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है उस परिवार के लिए उससे बड़ी बात और क्या होगी। हमने तो बेरा पे क्या कि 16 साल बाद पहले मैच था हमारा छोरा का वर्ल्ड कप में 4 विकेट। इससे पहले 16 साल बाद पहले अनिल कुमरे ने ली अखबार में पढ़िया तो बेरा पटिया हमारा छोरा ने तो भाई लटका दिया मारा तो कह लिया भाई पटाखे लाई रे बात सारा परिवार सारा गांव बस खुशी में ढोल नगाड़े मौज। हम तो खुशी में सारे सो भी नहीं रहे इतना आनंद हो रहा हमारा। कल 4 विकेट लेने के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और देश के लिए खेल रहे और उसके साथ क्या खुशी होगी। 16 साल बाद अखबार से पता लगे है दूसरी बार विकेट ली है और मैं तो ये कहती हूँ जीत कर आए वर्ल्ड कप लाए। तो जीतने के बाद घर आएंगे तो क्या गिफ्ट करेंगे आपको? उसके लिए घर बनने लग रहे हैं घर गिफ्ट करेंगे। कल का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा 4 विकेटें ली उस ग्राउंड के ऊपर। कभी शेन वार्ने ने भी 4 विकेटें ली थी अपने डेब्यू उस ग्राउंड में और भगवान के आशीर्वाद से और आप देश के लोगों की दुआओं की वजह से उसने 4 विकेटें ली अच्छा परफॉर्म किया। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।